गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, पीछे हमने दो तीन क्लासेस कर चुके हैं हम। जिस भी बच्चे ने भी क्लासेस नहीं देखी है बेटा, उन क्लासेस को देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म वैस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि पार्टनर टू द फर्म और फर्म टू द पार्टनर, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि पार्टनर टू द फर्म का मतलब क्या और फर्म टू द पार्टनर का क्या मतलब है। पार्टनर टू द फर्म, ये पार्टनर है ए, जैसे कि ये पार्टनर है ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास फर्म है। तो पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर टू द फर्म है का मतलब है कि जो ये पार्टनर है सी पार्टनर, मान लो इसी पार्टनर इस फर्म को लोन दिया। ठीक है, लोन इस सी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म इसके बदले इस सी पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्म इसको इंटरेस्ट दे रही है, तो ये होता है पार्टनर टू द फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और लोन के बदले फर्म ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको, ये जो फर्म है इंटरेस्ट पार्टनर को किस किस तरीके से पे कर सकती है। पहली बात कि अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई 5%, 6%, 10%, जितने भी परसेंट लिख रखा है एग्रीमेंट में, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जितने परसेंट लिख रखा है फर्म उतना इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेगी सी को। अगर डीड नहीं है, अगर डीड साइलेंट है, ठीक है, अगर डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, तो फर्म तो भी इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम। ठीक है, तो अगर डीड है तो उतने परसेंट फर्म पार्टनर सी को इंटरेस्ट पे करेगी, अगर डीड नहीं है तो भी फर्म 6% जो है इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। ठीक है, तो अगर ये मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे फर्म को लॉस हुआ हो, फर्म को जो है पे करना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस हमने कल पढ़ा था कि ये एक्सपेंस क्या होता है, इस एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, इस एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि फर्म को क्या है, फर्म को डीड में लिखा है तो भी देना है और नहीं लिखा है तो भी 6% देना है। ये बात ध्यान रखना, अगर डीड साइलेंट है तो भी फर्म 6% पार्टनर को देगी। ठीक है, और इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ये होता है पार्टनर टू द फर्म। तो इसके हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। अब इसको डेबिट क्यों लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और टू लोन बाय पार्टनर ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है क्रेडिट साइड और इसको हमने लिखा है डेबिट साइड। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं, क्लोज करते टाइम हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, या कि इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फर्म टू द पार्टनर। अब फर्म टू द पार्टनर का मतलब देखो क्या होता है, देखो अब फर्म टू द पार्टनर का मतलब है कि ये ए बी और सी, ये पार्टनर है और ये फर्म है। अब की बार क्या होता है कि फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है, अब की बार फर्म ने सी पार्टनर को दिया है लोन। ठीक है, मान लो सी पार्टनर को लोन दिया है, अब की बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, तो सी क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, सी फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट लोन के बदले। ठीक है, तो ये होता है बाय द फर्म टू द पार्टनर।
ठीक है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है कि भाई 5% 10% जितना भी परसेंट लिखा है उतने परसेंट पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, उसमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब भी, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा सी के द्वारा फर्म को, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये लोन इसको सी को दे रखा है और ये फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फर्म की इनकम, ठीक है। अब इसकी देखो एंट्री कैसे होगी, फर्म टू द पार्टनर की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। अब इसको टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, और पार्टनर्स कैपिटल इसको डेबिट किया है, ठीक है। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो देखो ये जो है टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इसको हम अब डेबिट साइड लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ठीक है। ये थी बाय द पार्टनर टू द फर्म और फर्म टू द पार्टनर। नेक्स्ट पर अब नेक्स्ट बात आती है कि रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, ये क्या होता है, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। रेंट पेड का मतलब है कि यहाँ पार्टनर है, ठीक है, यहाँ फर्म है। अब फर्म क्या करती है, फर्म पार्टनर से प्रॉपर्टी लेती है रेंट पे, ठीक है। रेंट फर्म पार्टनर्स की प्रॉपर्टी यूज कर रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर रही है फर्म, फर्म प्रॉपर्टी यूज कर रही है पार्टनर की, तो फर्म पार्टनर को क्या करती है, रेंट पे कर रही है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये होता है रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, ठीक है। तो फर्म के लिए ये क्या है, अगर वो रेंट पे कर रही है तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब इसकी एंट्री देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कैपिटल करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कैश में पे किया है तो हम आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी आपके रुपीज होंगे, ठीक है। अगर आप कैश में पे नहीं करते बात, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट बाय टू रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये ऐसे एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, ठीक है। ये एक्सपेंस है रेंट, ठीक है, फर्म के लिए, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। नेक्स्ट देखो, अगर इसको क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। ये थी इसकी एंट्री। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, रेंट पेड और पेबल टू रेंटनर पेबल टू पार्टनर, देखो कैसे करेंगे। एम और एन टू पार्टनर है, जिसके पास जिसने 70,000 कैपिटल लगाई, जिस एक ने एन ने 65,000, ठीक है। एम जो है प्रोवाइड फ्लैट फॉर बिजनेस यूज एंड चार्ज रुपीज 22,000, जो एम है उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज कराई है बिजनेस के लिए, उसका चार्ज लिया इसने 22,000, ठीक है। तो आपको पांच जनरल एंट्री, मतलब कि जनरल एंट्री करनी है, तो देखो रेंट अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश अकाउंट, कैश में की है तो 22,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 22,000 टू रेंट अकाउंट 22,000, ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से करना कि पार्टनर टू द फर्म क्या होता है, फर्म टू द पार्टनर क्या होता है, और रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लासेस भी आप एक बार देखना, ठीक है। आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, थैंक यू।